जस्ट 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थाना अजीम नगर के खोद चौकी के मंदिर का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज मंदिर की जमीन को लेकर कुछ लोग डीएम से मिले और डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनका आरोप था कि कुछ राजनीतिक लोग इस शिव मंदिर की जमीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते हैं। जो शिव मंदिर की जमीन है उसके अलावा 312 गज जमीन है, जो कि प्रार्थी ने अपनी मर्जी के बिना किसी दबाव से बेचकर बैनामा करा दिया था, परंतु इसमें कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर शिव मंदिर के नाम पर जमीन के लिए राजनीति कर रहे हैं। जो शिव मंदिर बना हुआ है वो भी प्रार्थी ने अपने स्वयं बनवाया था, जिसकी हदबंदी की हुई है। उसके अलावा जो जमीन तिवा प्रार्थी ने बेची थी, जिस जमीन को कुछ लोग खरीदना चाहते थे उनको ना बेचकर मैंने किसी और को बेची, इसी वजह से वो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। प्रार्थी शिवचरण लाल ने ये चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा देंगे। पूरा मामला ये है, भाजपा के कुछ लोग, ये मोहनलाल सैनी जो हैं पूर्व जिला अध्यक्ष जी, इनके कहने पे कुछ भाजपा के लोग हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। कौन कौन लोग हैं वो? सुरेश है, शंकर हैं और आपके लाखन है, एक भूकन है, कुछ लोग यदि और भी हैं। क्यों छीनना चाहते, क्या वजह? छीनना दुकानों की बदौलत है सारी। लालपुर रोड, रामपुर रोड पर दुकानें निकल रही हैं, मंदिर की जगह इन नहीं चाहते थे मगर उसके आड़ में दुकानें हैं, दुकानों की जगह है, दुकानें बनाना चाहते थे अपनी। अच्छा, हमसे जबरदस्ती छीन रहे। हमने वो कब्जा ना देने पर मारपीट भी शुरू करी इन्होंने। थोड़े लोग हैं हम, क्या कर सकते हैं हम। कितनी जमीन है? 2 बीघे। हमने बहुत कही, एसपी साहब के यहाँ भी गई, डीएम साहब के यहाँ भी गई, बहुत कही, डीआईजी मुरादाबाद भी गई, मगर इन लोगों ने इधर आई इधर टाल दी गई हमारी बात जो है। पुलिस दफन करती रही वहाँ पुलिस चौकी पर। अच्छा, आप लगातार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे, क्या निर्णय होगा? आगे ये कहना है पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे हम, इसके बाद कैन होगी हमारे हाथ में, हम पेट्रोल छिड़केंगे वहाँ आग लगाएंगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे हम।